ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से हो रही लगातार बारिश का असर कुछ इस कदर है कि बिलासपुर में बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। आपको बता दें कि बिलासपुर की सबसे ऊंची पहाड़ी बहादुरपुर दार पर्यटक स्थल के नाम से जानी जाती है, जहां की खूबसूरती देखते ही बनती है। वहीं इस दार पर लगातार हो रही बारिश के बाद अब बर्फ की फाहें गिरने भी शुरू हो गई है, जिससे तापमान में भी भारी गिरावट दर्ज की गई है। पिछले कुछ दिनों से हो रही लगातार बारिश का असर कुछ इस कदर है कि बिलासपुर में बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। आपको बता दें कि बिलासपुर की सबसे ऊंची पहाड़ी बहादुरपुर दार पर्यटक स्थल के नाम से जानी जाती है, जहां की खूबसूरती देखते ही बनती है। वहीं इस दारा पर लगातार हो रही बारिश के बाद अब बर्फ की फाहें गिरने भी शुरू हो गई हैं, जिससे तापमान में भी भारी गिरावट दर्ज की गई है। बिलासपुर स्थित बहादुरपुर धार की ऊंचाई समुद्र तल से 1872 मीटर है, जहां जनवरी माह में होने वाली भारी बारिश का असर बर्फबारी के रूप में देखने को मिलता है। वहीं बर्फबारी की जानकारी मिलते ही इस धार पर पर्यटकों और स्थानीय लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है, जो कि बर्फबारी के दौरान बर्फ से खेलने का पूरा आनंद ले रहे हैं। मैं मनोज, हम यहाँ पे कल रात से घूमने आए थे। मतलब सुबह से काफ़ी बढ़िया बर्फबारी पड़ रही है। अपने बिलासपुर का मतलब सबसे बड़ा ये काफ़ी हाइट पे है, और सुबह से बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ रही है। हम तो अभी निकल गए, देखो आप गाड़ी पे भी बर्फ़ है, तो हम आगे का ताकि फंस ना जाएं बाद में ज़्यादा बर्फबारी हो जाए। अभी तो ऊपर कंटिन्यूसली बर्फ़ पड़ रही है। हम आज बिलासपुर ज़िला के जो मुख्य पर्यटक स्थल है बहादुरपुर, वहाँ आए हैं, और बहुत ही सुंदर जगह है। यहाँ पे हर वर्ष काफ़ी बर्फ़ गिरती है और लोग दूर दूर से बर्फ़ का नज़ारा देखने के लिए यहाँ आते हैं। बहुत ही सुंदर जगह है बहादुरपुर, और आज भी जब हम पहुँचे तो हमारे पहुँचते ही यहाँ अच्छी बर्फ़बारी शुरू हुई और चारों ओर सुंदर पहाड़ी, सुंदर वादियाँ, देवदार के जंगल, देवदार के पेड़ सभी बर्फ से सरोवर हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही सुंदर दृश्य है, अब लगा पूरा बर्फ और बहुत ही यानी मन मोहने वाला